यहाँ रह रहे हैं इस चीज़ में और इस खौफ में, हम लोग बाहर से आए हमें पता चला है कि वो किस तकलीफ में है और हमें इसे रिजॉल्व करना चाहिए। अब हम बाकायदा तौर पर नीलम वैली में हम दाखिल हो गए। वैसे नीलम वैली तो पहले हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन प्रॉपर यहाँ जो या डिस्ट्रिक्ट है या जो इलाका है यहाँ पर एंट्री की जाती है, ये क्या क्या जगह देखने की है ये आप देख सकते हैं। वो मकबूज़ा कश्मीर है और मतलब ये हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है। अगर आपको मैं दिखाऊं, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, फौजी उनके बैठे हुए हैं, आपको मैं इंडिया का झंडा दिखाऊं, आप ये देख सकते हैं, ये आप देख ले इंडिया का झंडा वहाँ, इंडिया के जो फौजी है वो बिल्कुल सामने, ये इनकी इलाका है। तो ये सारा एरिया है यहाँ पर, अगर आप देखें ये दरिया और साथ ही ये जो मकानात आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इंडिया के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर है। ये इनके मकानात है, मुसलमानों के मकानात है, इसमें आबादी लोग तो है लेकिन बहुत कम आबादी लग रही है मुझे, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखें भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, लेकिन इसकी जो ये बॉर्डर सिर्फ ये दरिया है, दरिया के उस पार मकबूज़ा कश्मीर और इस तरफ अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर। तो ये पूरा एरिया है और मेरा ख़्याल है कि ये जब भी मतलब फायरिंग होती है, जब भी हालात ख़राब होते हैं तो यहाँ पर फायरिंग की जाती है। इस तरफ जो है ना आज़ाद कश्मीर और उस तरफ मकबूज़ा कश्मीर जो इंडिया ने कब्ज़ा जमाया हुआ है, दोनों तरफ कश्मीर है, वो मकबूज़ा कश्मीर है, इंडिया का ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है, और ये जो इलाका है ये आज़ाद कश्मीर है। यहाँ के मुसलमान आज़ाद है, वहाँ के मुसलमान पाबंदियों में सलासील है, लॉकडाउन है, हर किस्म की पाबंदी है। तो ये सूरत हाल है, मैंने थोड़ा सा आपको दिखाना था, और चूँकि ये इलाका थोड़ा सा ख़तरनाक है तो हमें निकलना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आप हमारे साथ रहें। सामने अगर आप देखें ये भी हमारे मुसलमान भाइयों के मकानात हैं, उनके घरें हैं, वो मकबूज़ा कश्मीर है, इंडिया ने ज़बरदस्ती उन इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे अपने आज़ाद कश्मीर है, यहाँ के आज़ाद मुसलमान हैं। तो ये सूरत हाल है, अल्लाह करे कि वो कश्मीर भी आज़ाद हो जाए और उन लोगों को भी आज़ादी मिले जिस तरह इन लोगों को मिली हुई है। तो सूरत हाल ये है, आगे देखते हैं, आपको दिखाना है मैंने कुछ और भी, आप हमारे साथ। अगर आप देखें तो दरिया के उस पार और इस पार में दोनों जानिब पाकिस्तान है, और ये बेहतरीन रोड है नीलम वैली। तकरीबन हमने कोई 70 किलोमीटर का रास्ता तय किया है, अब तक रास्ता बिल्कुल बेहतरीन है, हम आराम आराम से जा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत वादी है जहाँ भी आप जाए, लेकिन एक बात है कि मौसम गर्म है, इसमें कोई शक नहीं, अगस्त का महीना है। मुझे नहीं पता कि आम दिनों में या दीगर महीनों में किस तरह मौसम रहता है, लेकिन आजकल यहाँ पर खूब गर्मी है। कोशिश करेंगे कि आगे जाए और बेहतरीन जगह हमें कहीं मिले ताकि हम वहाँ पर रात गुजार सके। अगर इस गर्मी में रात गुजारना हो तो ये तो मिंगवरा से भी गर्म है। आगे मिलते हैं। गाड़ियों पर अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान दोनों का झंडा।
कंडल से बाजार। इस वक्त हम आठ मुकाम जो इनका एक शहर है यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आठ मुकाम आज़ाद जम्मू कश्मीर। हमारा आगे का जो इरादा है वो शारदा है, हमारी अगली स्टॉप शारदा है। शारदा में हम रात गुजारेंगे और कल फिर आगे का सफ़र जो है ना वो जारी रखेंगे। बुगना लोअर और बुगना अपर, बुगना लोअर अभी भी पाकिस्तान के पास है, वो आबाद है, और बुगना अपर जो है वो इंडिया ने कब्ज़ा किया वहाँ पर, तो वो इंडिया के पास चला गया, वहाँ के लोग माइग्रेट हुए, मुजफ्फराबाद चले गए और अब ये बिल्कुल जंगल बन गया। शारदा पहुँच गए हैं रात के तकरीबन 9:30 है। शारदा बाज़ार है ये और बेहतरीन रश लगा हुआ है। पाकिस्तान के झंडे अगर आप देखें, आज़ाद कश्मीर के झंडे, तो रश है। आज बिल्कुल इस वक्त मैं शारदा के मुकाम पर मौजूद हूँ। शारदा यहाँ पर एक तारीखी ये इलाका है और काफ़ी मशहूर है, यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है। मैं थोड़ा सा यहाँ का जो मंज़र है वो आपको दिखाऊं। ये दरियाए नीलम साथ साथ बहता है और इस होटल में हम ठहरे थे रात को, चूँकि फायरिंग हुई अल्टरली इस्तेमाल की गई इंडिया की जानिब से, तो काफ़ी सयाहों में खौफ और हिरास फैल गया और लोग जो है ना वो अपने कमरों से निकल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। तकरीबन कोई आधे घंटे या उससे कुछ ज़्यादा फायरिंग होती रही, काफ़ी खौफ और हिरास फैल गया था पूरे इलाके में। तो एक जो एक माहौल बना हुआ था टेंशन फ्री, वो एकदम ख़त्म हो गया और एकदम खौफ और हिरास वाला फिज़ा कायम हो गया, तो लोग काफ़ी मतलब बेचैन थे। हम ख़ुद भी होटलों से निकल आए और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर हमने पनाह ली। मैं तो अपने कमरे में ही था और वहाँ पर बस एक थोड़ा सा शीशों से दूर हो के मैं वहाँ पर मैंने पनाह ली और काफ़ी मतलब खौफ था लोगों में। तो कहने का मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर नीलम वैली अगर आप आते हैं तो इस किस्म की चीज़ों का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है, ये चीज़ें होती रहती है, तो ये एक ध्यान रहे। बाकी खूबसूरती के हवाले से यहाँ पर इंतहा है, अगर अमन कायम हो जाए, सीज़ फायर ये जो बाउंड्री है यहाँ से शारदा तकरीबन इंडिया के साथ तो बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन जितने रास्ते पर हम आए 2-3 जगह पर बिल्कुल उस तरफ मकबूजा कश्मीर और इस तरफ आज़ाद कश्मीर, तो वो काफ़ी मतलब है। लेकिन ये जब आप आते हैं रास्ते में आप इंडियन फौजों को देखते हैं, तो ये मुकामी लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि ये फायरिंग होती रहती है इन इलाकों में, लेकिन शारदा में कभी भी मतलब इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया, अभी तक कोई भी मटर गोला यहाँ पर नहीं गिरा। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम हो और ये मसले हल हो जाए। इस वक्त हम शारदा में हैं और शारदा टूरिस्ट विलेज को हम देखने जा रहे हैं।
वाटर कूलर तो पहले नहीं गिरा है, तो ये पिछले दिनों में गिरते रहे हैं, इतना दो तीन महीने पहले हुई है, उससे पहले उससे बाद भी हुई है, तकरीबन 10-15 दिन पहले फिर हुई है। दरिया नीलम के बिल्कुल साथ मौजूद है यहाँ कुछ सयाही हुए, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है। भाई अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? लाहौर से। तो कैसा लगा आपको शारदा और नीलम? शारदा तो बहुत खूबसूरत है। 19 घंटे का सफ़र करके आए थे, हमने कहा रात सोएंगे जल्दी, लेटे हैं तो माशाल्लाह गोलाबारी स्टार्ट होगी, फिर आराम से, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मन हो गया, तो फिर हम सो गए। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि अमन का पैगाम वो देना चाहते हैं पूरी दुनिया को। कश्मीर में जो हो रहा है वो आपके सामने है, उस पार भी और इस पार भी। इस पार भी ये इस वजह से कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी गैर यकीनी सूरतेहाल से दो चार है, वहाँ के जो लोग हैं वो ऑलरेडी अरगमाल है, मतलब लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, वो भी मतलब है। तो अगर इंडियन हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के क़रारदादों के मुताबिक ये मसला हल करे और दोनों मुल्कों का ये मसला जो है वो हल हो जाए, तो दोनों तरफ पूरी बरसग़ीर में, पूरी एशिया में खुशहाली आएगी, अमन आ जाएगा और इस्तेहकाम आ जाएगा। और यही पैगाम यहाँ के लोग भी देते हैं, वहाँ के लोग भी देते हैं। शहरी ये नहीं चाहते, दोनों शहरी जो है, पाकिस्तान की शहरी भी और हिंदुस्तान की शहरी भी, वो ये नहीं चाहते कि जंग हो, और ये वो नहीं चाहते कि इंसानी जानों का ज़िया हो। लेकिन कुछ लोग इस तरह है कि वो मतलब वहाँ के लोग जानबूझकर हालात ख़राब कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए और अमन कायम हो जाए और हम सब पुरसकून हो जाए। बहुत शुक्रिया। जगह तो अच्छी है, लेकिन बस यही एक जो है इसका मेन प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पर जो है ये जो शेलिंग वगैरह का जो मसाइल है, इसकी वजह से जो सयाह हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता ना इस बिल्कुल, चीज़ का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हम लोग पंजाब साहिवाल से आए हैं, फैमिली के साथ आना यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फैमिली वाइज फैसिलिटीज़ वगैरह भी ठीक हैं, सेफ़ है, यहाँ हम देख सकते हैं इर्द गिर्द अपने कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज जो हैं इस वक्त जो है वो हमारे यहाँ उन्होंने स्टे किया हुआ है। कुछ लोग पीछे केरल में हैं, अभी कुछ लोग केल आगे चले गए हैं, तो फैमिलीज़ के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपसे भी जाना चाहेंगे, आप बहसियत एक फीमेल, आप रात को आप यहाँ रुके थे, कैसा लगा आपको? कोई खौफ और हिरास आप बता सकेंगे क्या है सिचुएशन? नहीं, इट वाज गुड एक्सपीरियंस बीइंग देयर, और बहुत अच्छी जगह है, सबको आना चाहिए विजिट करने के लिए। बस रोड का थोड़ा इशू है, दैट विल बी रिजॉल्व्ड, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा ज़रूर आए। वो बहुत अजीब किस्म का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ के हमें एटलीस्ट फील हुआ है वो फील कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं इस चीज़ में और इस खौफ में, हम लोग बाहर से आए हैं, हमें पता चला है कि वो किस तकलीफ़ में है और हमें इसे रिजॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि दोनों मुल्कों का ये मसला जो है ना वो हल हो। We'll be right back.